आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि LIC ने SBI को सभी को माफ कीजिए एक अर्जी दे दी है अपने IPO के लिए, और ये खबर सबसे पहले हमारे संवाददाता अंकुर ने ही ब्रेक की थी। अंकुर के पास इसी तरह चलते हैं और डिटेल समझते हैं। अंकुर, पहले तो आपको बधाई, आपने सबसे पहले खबर ब्रेक भी की, अच्छा लगा। और ETNow स्वदेश की एक इस मुहिम के अंदर जो लगातार एक्सक्लूसिव खबरें देते हैं उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है, जरा और जानकारी दीजिए इसके बारे में जो अर्जी दाखिल की गई है। जी हाँ, LIC ने संडे देर शाम को DRHP फाइल कर दिया, मतलब IPO के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। हमने पहले यहाँ पे ETNow स्वदेश में बताया था कि सरकार 5% हिस्सेदारी बेच सकती है, और वैसे ही DRHP में डिटेल्स नज़र आई कि सरकार 31.62 करोड़ शेयर है उनकी बिक्री होनी है, और जो टोटल शेयर्स हैं 462 करोड़, तो उसके मुताबिक 5% शेयर करीब सरकार बेचने वाली है। साथ ही साथ जो एम्बेडेड वैल्यू है वो आई है 5.4 लाख करोड़ के आसपास, और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको एक रिजर्वेशन मिलेगा 10% का इस IPO में, ये भी डिटेल्स आई हैं DRHPs पे। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। हम अगर LIC के IPO की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा अगर दुनिया भर में देखें तो भी इसका पाँचवीं या छठी कंपनी है एसेट्स के मुताबिक। जो सरकार का लक्ष्य है इस साल का डाइवेस्टमेंट का 78,000 करोड़ रुपए का, वो इसी IPO से पूरा होने की उम्मीद है। आपको याद होगा सरकार ने पहले 1.6 लाख करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट टारगेट किया था, और जो कि रिड्यूस करके 78,000 करोड़ रुपए कर दिया था, लेकिन अभी तक जो आया है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए है। इस IPO से करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। जो वैल्यूएशन है वो 13 से 14 लाख करोड़ हो सकता है। तो देखना ये होगा कि जब ये IPO का प्राइस फाइनल होता है तो उसके हिसाब से उसकी क्या वैल्यूएशन होती है, तब हम ये आंक सकते हैं कि सरकार आखिर कितना पैसा इस IPO से कमा सकती है। LIC की बात करें तो 28 करोड़ पॉलिसी हैं देश भर में, 13.5 करोड़ एजेंट हैं, और लिस्टेड कंपनियों में अगर इसकी हिस्सेदारी देखें तो 9.58 लाख करोड़ है, और जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो IDBI बैंक में, अगर वैल्यू की बात करें तो वो है रिलायंस में। इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा आप बता रहे हो। देश में 8 करोड़ डीमेट अकाउंट भी हैं, अगर ये IPO आता है और इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन अच्छे रेट पे मिल जाए तो फिर सारे डीमेट अकाउंट भी एक्टिव हो सकते हैं और पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट भी मिल सकता है, ये भी जानकारी आप दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक ले